हाय फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइस, फिर से हाजिर हूँ फ्रेश एक क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो नया अपडेट निकल के आ रहा है न्यूज। कल जो वीडियो भी मैंने बनाया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहां पे आप डिटेल्स जान सकते हैं कि अपडेट क्या होगा और कैसे काम करेगा। इस वाले वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है और कौन सी चीज़ें हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिले क्लैन वॉर लीग्स में विथ वॉर हाइलाइट्स। जो लास्ट वॉर बीता था, काफ़ी अच्छा वॉर था गाइस, उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ अच्छे अटैक्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा मज़ा आए, एकदम भरपूर, एकदम एक्शन पैक्ड वीडियो होने वाला है। और गाइस, अगर वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि रेगुलर क्लैश ऑफ क्लैंस के कंटेंट्स मिलते हैं आपको इस चैनल में। अपडेट आ रहा है और ज़्यादा कंटेंट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, कल जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे न्यूज़ हमने कवर किया था जो कि क्लैन वॉर लीग्स के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ हमें निकल के आ रहे थे हमारे लिए। और गाइज, वहाँ पे हमने इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी कि एक नया क्लैन वॉर लीग्स एक सिस्टम आने वाला है, जहाँ पे 8 क्लैन, आपका क्लैन और 7 क्लैन मिलके एक ग्रुप बनाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपको वॉर्स खेलने पड़ेंगे, हर एक बंदा सिर्फ एक अटैक कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा स्टार्स कलेक्ट कर पाएंगे वो अपर टीयर्स में जाएंगे। टोटल 18 टीयर्स होंगे गाइज, यस 18 टीयर्स। और आप जितना आगे मूव करोगे जीत के, उतना आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब रिवॉर्ड्स में क्या होंगे अभी तक क्लियर नहीं है, क्या एलिक्सिर गोल्ड डार्क एलिक्सिर मिलेगा या फिर कुछ जेम्स भी मिलेंगे, मैजिक आइटम्स मिलेंगे, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। वो तो इन फ्यूचर हमें पता चल जाएगा। बट गाइज, जो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग होगा। अब देखिए गाइज, अभी ये क्लियर हो गया है कि जो वॉर होगा वो 15 vs 15 होगा। नंबर वन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, 15 vs 15 वॉर होगा। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है गाइज, कि हर एक बंदा, कोई मतलब कोई भी टाउन हॉल के प्लेयर हो आप, आपको सिर्फ एक अटैक करने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर वन, अगर 15 vs 15 वॉर होगा तो उसका मैच मेकिंग जो सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है जो रेगुलर वॉर होता है हमारा, वहाँ पे मैच मेकिंग इतना तगड़ा नहीं है। अभी मैं दिखा देता हूँ गाइस, जो भी हमारा करंट वॉर चल रहा है, 2 टाउन हॉल 12 है, उसके बाद 2 टाउन हॉल 11 है, उसके बाद सारे टाउन हॉल 10 है। ओके, एनिमी को देखिए, 2 टाउन हॉल 12, ठीक है, हमारे भी 2 12 है, इनके पास 6 टाउन हॉल 11 है। अब गाइस, अगर वॉर मैच मेकिंग का ये जो हाल है, ये अगर क्लैन वॉर लीग्स में भी हो तो बहुत बड़ा एक इशू हो सकता है। क्योंकि क्यों, मैं बता देता हूँ क्यों। अब देखिए, इस वॉर में हम लोग क्या करेंगे, अब जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी क्लैन वाले क्या करेंगे, ये जो चार बंदे हैं जो कि टाउन हॉल 12 के 2 प्लेयर हैं और टाउन हॉल 11 के 2 प्लेयर हैं, इनके टोटल 8 अटैक्स होंगे इनके टोटल, जो कि 1 से लेके 8 तक कर सकते हैं हम लोग, अप टू यहाँ तक कर सकते हैं। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये सारे बेसिस को हम क्लियर कर सकते हैं, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। बट क्लैन वॉर लीग्स में गाइस आप सिर्फ एक अटैक कर पाएंगे, मतलब मैं नंबर वन पे हूँ, तो अगर मैं नंबर वन पे अटैक करता हूँ बस एक अटैक कर पाऊंगा, हमारा नंबर टू अगर नंबर टू के ऊपर अटैक करता है बस एक ही अटैक। तो ऐसा अगर वॉर का मैच मेकिंग अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे हम सफर कर सकते हैं, क्योंकि अटैक्स नहीं है हमारे पास, एक्स्ट्रा अटैक्स नहीं है। अब गाइस, यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। समझ लो आप एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपके पास टाउन हॉल 12 नहीं है। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास टाउन हॉल 11 भी नहीं है, टाउन हॉल 10 है, 9 है, 8 है। अब क्या ये पॉसिबल है कि आप ऐसे ही मैच मेक होगे दूसरे क्लैन से जिनके पास भी टाउन हॉल 12 या फिर 11 ना हो? क्योंकि देखिए, क्लैन वॉर लीग्स 15 vs 15 वॉर होंगे तो अपने बेस्ट प्लेयर्स को सब रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने बेस्ट प्लेयर्स को डालने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाउन हॉल 12 एंड 11 को मैं डालने की कोशिश करूंगा, ताकि वहां पे अच्छे अटैक्स हों, इवनली अच्छे डिफेंस भी हों। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि छोटे जो क्लैंस हैं, जहाँ पे छोटे टाउन हॉल्स हैं, उनके लिए क्या होगा, क्या इतना अच्छा मैच मेकिंग होगा कि कोई अगर टाउन हॉल 10 या फिर टाउन हॉल 9 को लेके क्लैन वॉर लीग्स खेलना जाए तो वो खेल पाए? हो सकता है यस, हो सकता है नो, अभी इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वहाँ पर मिसमैच होता है तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है गाइस, क्योंकि आपको पता है बस एक ही अटैक आपको वहाँ पर करने को मिलेगा। तो ये एक मेरे को लग रहा है कि एक इशू होगा, हो सकता है हो। बट अगर गाइज, मैं यही सभी को रिकमेंड करूंगा, कोई भी अगर क्लैन मेट, आप कोई भी वीडियो देख रहा है, तो अगर आपके क्लैन में हायर टाउन हॉल्स के प्लेयर नहीं हैं, टाउन हॉल 12, टाउन हॉल 11, तो आप जल्द से जल्द रिक्रूट करना शुरू करें, उन्हें अलग अलग जगह से ढूंढिए, आप ग्लोबल में सर्च कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड जोन में सर्च कीजिए, और टाउन हॉल 11 एंड 12 के प्लेयर्स को आप ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे क्लियर नहीं है, मैच मेकिंग कैसा काम करेगा कोई क्लियर नहीं है, अपर टाउन हॉल्स ये इशू है,
सो देखते हैं, अपडेट बहुत ही अच्छा है गाइस, अपडेट अच्छा है क्योंकि नया इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत मज़ा आएगा। बट इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो अभी तक आंसर नहीं किए गए हैं और इन फ्यूचर पता नहीं हमें क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने शेयर किया। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अब चलते हैं गाइस, जो लास्ट हमारा वॉर था वहां पे जैसे कि मैंने बताया काफ़ी कांटे की टक्कर हुई थी, मैं आपको चलिए लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये तो अभी प्रिपरेशन डे पे है, बट जो लास्ट वॉर हमारा बीता था भाई काफ़ी मज़ा आया। ऐसे वॉर्स जब हम लोग को खेलने को मिलता है ना काफ़ी मज़ा आता है। बहुत बड़ा मिसमैच था जैसे कि मैंने बताया था, एनिमी के पास 6-7 टाउन हॉल 11 का एडवांटेज था, बट हमने लास्ट में विन को क्लिच किया। क्योंकि यहाँ पे गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि हमने डिफेंड अच्छा किया। आप देख सकते हैं नंबर 1 से नंबर 4 तक सारे के सारे बेसिस हैं 3-स्टार नहीं हुए हैं, और एक टाउन हॉल 11, दो टाउन हॉल 11 था जो 3-स्टार वो लोग नहीं कर पाए, बट हमने यहाँ पे अच्छा स्कोर किया। कुछ टाउन हॉल 11 और 12 को इवन 3-स्टार किया। और नीचे में ये मेरे को बहुत ही अनॉइंग लगा गाइस कि नंबर 13 का एक बेस यहाँ पे बच गया और नंबर 18 का एक बेस में बच गया। इसका रीजन भी था क्योंकि हमारे दो प्लेयर्स ने अटैक नहीं किए थे। एक टाउन हॉल मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, एक हायर टाउन हॉल का प्लेयर नंबर 2 में जो था राम जी, उन्होंने अटैक नहीं किया, पता नहीं क्या रीजन था। और एक प्लेयर था यहाँ पे जिसका नाम है राहुल पॉल, उन्होंने भी अटैक नहीं किया। तो ये एक इशू था यहाँ पे, इसके वजह से हम लोग, और नहीं तो हम लोग और स्टार्स ग्रैब कर पाते, आई गेस 2 स्टार्स तो हम लोग और ग्रैब करी। नीचे में 2 बेसिस पड़े थे, ये दोनों क्लियर कर देते हम लोग नंबर 13 एंड नंबर 18। चलिए कोई बात नहीं, एट लास्ट हम लोगों ने वॉर तो जीत लिया। चलिए अब कुछ अटैक्स के बारे में बात करेंगे गाइस। और सबसे पहला जो अटैक मैं आपको दिखाऊंगा वो मफिन का अटैक है जो कि नंबर 3 के ऊपर है। इसके बाद मैं अपना अटैक दिखाऊंगा, मैंने अटैक किया था नंबर 4 के ऊपर। तो ये है बेस गाइस, काफ़ी डिसेंट बेस है और एंटी 3-स्टार ये बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, ये बेस काफ़ी अच्छा बेस है। और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी यूज़ करी गई थी किल स्क्वाड था और उसी के साथ हॉग्स को यूज़ करे गए, जो कि मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ इस स्ट्रेटजी का क्योंकि मैं भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से एक प्रॉपर फनल क्रिएट किया गया, देखिए बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी यहाँ से, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। एक्सेस देखिए, क्वीन की एक्सेस मिल रही है, सीसी भी आपको मिल जाएगा, उसी के साथ आपको ईगल आर्टिलरी मिल जाएगा। अब इस वक्त गाइस अभी मैं अगर बात करूँ ना टाउन हॉल 12 आने के बाद, दो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है अगर आप हॉग अटैक्स करते हो तो सबसे बड़ा दो खतरा है, वो है एक ईगल आर्टिलरी, दूसरा जो खतरा है वो है टाउन हॉल खुद, क्योंकि उसका गीगा टेस्ला सबसे बड़ा खतरा है। सो अगर आप ये दोनों को निकाल देते हो, अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आप इसे निकाल पाओगे, तो उसके बाद अटैक को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हॉग्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीसी से डबल ड्रैगन्स निकले थे, वो भी मैक्स लेवल के, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइजन के अंडर ड्रैगन्स बहुत स्लो हो जाते हैं और कुछ खास ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। जंप स्पेल का यहाँ पे यूज़ करा गया था बट कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं इस जंप स्पेल का, क्योंकि किसी ट्रूप ने भी यहाँ पे जंप का यूज़ किया नहीं, सब बाहर ही बाहर रह गए थे। और क्वीन एट लास्ट यहाँ पे टाउन हॉल को टेक डाउन करने की कोशिश कर रही थी, और अगर एक बार टाउन हॉल टेक डाउन हो गया तो आपको पता है इसकी हॉग्स को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। क्वीन ने टेक डाउन कर लिया टाउन हॉल को, गीगा टेस्ला उसके बाद बेकार हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ गीगा टेस्ला से। और इसके बाद इतने सारे हॉग्स थे यहाँ पे, इस अटैक को रोक पाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है गाइस। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा अगर कोई भी हॉग करना चाहता है टाउन हॉल 12, अगर 5-स्टार टाउन हॉल 12 के ओपोनेंट अगर आप अटैक कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गीगा टेस्ला का मतलब ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस अभी भी 2 हील स्पेल पड़े हुए हैं, और अभी आप देख सकते कितने सारे हॉग्स, बहुत ही टन्स ऑफ हॉग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। बैकग्राउंड में इतना ट्रेन का नॉइज़ क्यों आता है पता नहीं यार। यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी दूर में है, मतलब स्टेशन काफ़ी दूर में है, बट यहाँ पे मेरे घर के बगल से जब ट्रेन निकलता है ना तो इतना ज़्यादा मतलब हॉर्न दबाता है पता नहीं क्यों। सो गाइस यहाँ पे अब फाइनल कुछ 2-1 डिफेंस बचे हैं, और एक बलून भी यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसने यहाँ पे डिप्लॉय किया और लास्ट एक विजिट टावर को ड्रॉप, जैसे ही उसने टेक डाउन कर लिया इस बेस में कुछ नहीं बचा गाइस। और एक हील स्पेल, फ्रीकिंग एक्स हील स्पेल अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, जिसको वो स्वैग कर देगा इस कॉर्नर पे, मेरे को याद है अभी भी इस कॉर्नर पे इसने हील स्पेल्स को स्वैग किया था, तो काफ़ी अच्छा है। मैंने जो अटैक किया था गाइस वहाँ पे मैंने 2-2 स्पेल स्वैग किए थे, तो ये अटैक तो बिल्कुल ही देखना बनता है। चलिए आपको दिखाते हैं ये एक अटैक जो मैंने किया था, मेरी भी स्ट्रेटजी लगभग सेम नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत सेम थी, बट चलिए आपको दिखाते हैं अटैक। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये रहा मेरा अटैक और ये एक टाउन हॉल 12 था। एक अच्छी बात यहाँ पे ये थी गाइज कि आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे इतने डेंस डिफेंस है, इतने ज़्यादा डेंस डिफेंस है कि मेरे को अच्छा वैल्यू मिला यहाँ पे। टाउन हॉल जो था वो 4-स्टार टाउन हॉल 12 था, नॉट कि 5-स्टार टाउन हॉल 12, वरना थोड़ा इशू हो सकता था मे बी। बट चलिए ओवरऑल आपको दिखाता हूँ कि अटैक कैसे गया गाइज। तो यहाँ पे मैंने
मैंने बॉलर जो है ना थोड़ा गलत ड्रॉप कर दिया था। मैं चाह रहा था कि ये स्पेल फैक्ट्री भी मेरे को मिल जाए जो स्किप डैमेज है बॉलर का, बट मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉप किया बॉलर को, इसीलिए स्किप डैमेज की वजह से मेरे को स्पेल फैक्ट्री मिल नहीं पाया, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरे पास जायंट से मैंने कोई गोलम वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने सारे पॉइंट डिफेंस हैं, अगर मैं गोलम यूज़ करता तो ज़्यादा इशू हो जाता और दो गोलम यूज़ करना पड़ता। यहाँ पे जायंट्स मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए, विजिट से मैंने फनल क्रिएट किया, उसके बाद मेरा सीज मशीन और मेरे हीरोज़ को ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा वैल्यू मिला मेरे को किल स्क्वाड से। अभी आपको देखने को मिल जाएगा सीसी में मेरे पास वैल्क्रीज थे, क्योंकि मेरे को पता था कि सीसी टाउन हॉल तक पहुंच जाएगा और यहाँ पे अच्छी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। ईगल आर्टिलरी है यहाँ पे, टाउन हॉल खुद है, उसी के साथ एक एक्सबो है, तो इसी के चलते मैंने यहाँ पे सीसी में वैल्क्रीज लिया था। वैसे मैं यूजुअली सीसी में पेका और जायंट्स लेता हूँ, वहाँ पे अच्छा वैल्यू मिलता है। बॉलर्स मेरे सारे बाहर की तरफ चले गए थे, बट अच्छा था क्योंकि मेरा पेका टैंक कर रहा था और मेरे बॉलर्स पीछे से टेक डाउन कर रहे थे डिफेंसेस को, तो काफ़ी वहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ मेरे लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेका ने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हॉक्स को डिप्लॉय किया और स्कोर में देख सकते हैं कितना अच्छा वैल्यू मेरे को प्रोवाइड किया किल स्क्वाड ने। और उसके बाद तो गाइस हॉक्स को रोक पाना मतलब नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ग्रैंड वार्डन ने अच्छा काम किया, उसका जो एबिलिटी था इतने अच्छे टाइम पे मैंने पॉपअप किया था कि बहुत सारी चीज़ों को उसने कवर किया वहाँ पे। और हॉग्स का क्या कहना गाइज, गोल्डन हैमर के साथ जब हॉग्स फोड़ना शुरू कर देते ना बेस को, फिर रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बस एक छोटा सा कंपार्टमेंट बचा है जहाँ पे दो एक स्लैश डैमेज अभी भी बचे हुए हैं, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्केलेटन्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट इतने सारे स्पेल्स अभी भी मेरे पास बचे हैं कि कोई रोक ही नहीं सकता इस अटैक को। अभी भी दो हील और एक रेज अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है और एक फाइनल, अगर मैं ये भी ड्रॉप ना करता ना तो भी ये 3-star था, बट फिर भी मैंने कोई रिक्स नहीं लिया। मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे हो सकता है एक जाइंट बम हो, कोई मैंने रिक्स नहीं लिया और आराम से यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया अपना फाइनल हील और बेस को आराम से हम लोगों ने क्रश कर दिया। यहाँ ये देखिए गाइस, ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, पेक का अभी भी बचा हुआ है और पीछे से बॉलर सबसे क्लियर करे जा रहे हैं। दो स्पेल्स मैंने यहाँ पे स्वैग कर दिए, एक हील एंड एक रेज, और ये अटैक जो है वो परफेक्ट एक 3-star अटैक हमें देखने को मिला। तो ये दो टाउन हॉल 12 के अटैक्स थे। अब मैं आपको एक दो टाउन हॉल 11 के अटैक्स दिखाता हूँ जो कि काफ़ी तगड़े अटैक्स थे और मेरे को काफ़ी पसंद आए। इस वाली वीडियो में कोई टाउन हॉल 10 के अटैक मैं नहीं दिखा पाऊंगा गाइस, बट इन फ्यूचर वीडियोज में आपको टाउन हॉल 10 एंड 9 के अटैक्स मैं जरूर दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में मैं कोई टाउन हॉल 10 एंड 9 के अटैक में दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे अटैक्स हैं ऑलरेडी, वो दिखाते दिखाते ये पूरा वीडियो निकल जाएगा। तो चलिए गाइस, ये है यहाँ पे एक अटैक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा अटैक था, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा गाइस। एक टाउन हॉल 11 भी 11 अटैक था, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से बॉलर्स यूज किए गए हैं, उसी के साथ गोलम यूज किया गया है फनल क्रिएट करने के लिए और एक छोटा सा किल स्क्वाड, और उसके बाद जो काम करता है वो हॉग्स है गाइस। बेस बहुत ही तगड़ा बेस आप देख सकते हो, बहुत सारे डिफेंसेस ऑलमोस्ट मैक्सड आउट थे टाउन हॉल 11 के अकॉर्डिंग, ईगल आर्टिलरी और क्वीन सेपरेटेड थे उस तरफ। और चलिए अब अटैक के बारे में बात करेंगे, तो जैसे कि आपको पता है पहले क्या करना है, ड्रिल्स आपको बहुत इजीली पता है क्या है, पहले आपको फनल क्रिएट करना पड़ता है किल स्क्वाड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको चाहिए होता है और उसके बाद आपके हॉग्स जो है वो मतलब कमाल ही कर देते हैं, बस कमाल कर देते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बस कमाल कर देते हैं। गोलम्स थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, बस सीज मशीन ने बहुत अच्छा काम किया। सीसी में मेरे को अभी तक नहीं पता क्या है, बट उसके पास खुद के अपने बॉलर से, जो कि बहुत अच्छी बात होती है अपने बॉलर से यूज़ करना, और आप देख सकते हो कितना प्रॉपर फनल क्रिएट हो गया और गोलम थोड़ा बाहर की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया, बट कोई बात नहीं, ओवरऑल जो हाल है वो बहुत सही चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हील्स पर यहाँ पे यूज़ करा गया, क्योंकि जाइंट बम्स एक के बाद एक वहाँ पे एक्सप्लोड हो रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे एक रेज के मदद से आप देख सकते हैं सीसी को टेक डाउन कर लिया गया। अभी तक सीज मशीन से ट्रूप्स निकले नहीं है, अभी तक सीज मशीन का जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छे हेल्थ में है। और गाइस देख सकते हैं किल स्क्वाड से कितनी अच्छी वैल्यू मिली है, अभी तक आपको दिख रहा होगा कि बेस ऑलमोस्ट डिफेंसेस जो है ऑलमोस्ट आधे निकल चुके हैं और अभी तक हॉग्स को डिप्लॉय नहीं किया गया है। फाइनली हॉग्स को डिप्लॉय किया गया इस तरफ से, और कमाल है गाइस, कमाल है। एक बात अच्छी हो जाती है अगर यहाँ पे वैल्क्रीज यूज़ किए जाते, मेरे को लग रहा है कि अगर सीज मशीन के अंदर वैल्क्रीज यूज़ होते तो और अच्छा काम होता, बट चलो कोई नहीं, जो भी था अच्छा था, और अटैक जो है वो आराम से यहाँ पे 3-star होगा, अभी आपको देखने को मिल जाएगा, बस टाइम की देरी है, क्योंकि आपको पता है कि इतना अच्छा अगर वैल्यू मिल जाता ना किल स्क्वाड से तो फिर अटैक को रोकेगा कौन, आप मेरे को बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में। ऐसे अगर किल स्क्वाड पर आपका काम करे उसके बाद रोकने वाला कोई होता ही नहीं है इस अटैक को। और आप देख सकते हैं इतने सारे हॉग्स यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, स्केलेटन्स थोड़ा अनोइंग है बट फिर भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते यहाँ पे। अभी भी गाइस एक हील स्पेल बचा हुआ है यहाँ पे, और सारे के सारे स्प्लैश डैमेज, जितने भी सारे स्प्लैश डैमेज थे सारे के सारे डाउन हो चुके हैं। हाँ ओके एक मोर्टार बचा हुआ है अभी भी, बट कोई बात नहीं, लास्ट फाइनल हील यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है इन्फर्नो टावर के सामने, और इन्फर्नो को अभी टेक डाउन कर लिया जाएगा। बस 2-3 हैमर लगे और इन्फर्नो भी टेक डाउन हो गया, उसी के साथ 2-3 अब कैनन्स और एक आर्चर टावर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद कुछ बाकी नहीं है और ये बेस आराम से क्रश कर दिया गया है। तो गाइस काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी क्वालिटीफुल अटैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इस वीडियो को एक थम्सअप देना,
और बस अब यहाँ पे क्लीनअप प्रोसेस बचा हुआ है। यहाँ पे विजर्ड्स थोड़ा क्लीनअप कर रहे हैं, इस साइड से हॉग्स ने क्लीनअप कर दिया है और बस भाई बहुत तगड़ा अटैक। तो एक और 3 स्टार यहाँ पे सुबोजिद्दा की तरफ से, बहुत ही शानदार अटैक था, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया अटैक देख के। चलिए एक और फाइनल अटैक देख लेते हैं गाइज, वो भी एक टाउन हॉल 11v11 होगा और इस एपिसोड का लास्ट अटैक होने वाला है। नंबर 8 के ऊपर अटैक किया था फिर से हॉग राइडर ने, काफ़ी इंप्रेसिव अटैक ये भी मेरे को लगा था। जो बेस था गाइज काफ़ी अच्छा बेस था, आप देख सकते हैं डिफेंसेस सारे के सारे मैक्स आउट थे, वॉल्स भी डिसेंट लेवल के थे और जो ये बेस डिज़ाइन है वो एंटी 3 स्टार बेस डिज़ाइन है। टाउन हॉल का है, अच्छा यहाँ पे टाउन हॉल दिख नहीं रहा था मेरे को, चलो कोई नहीं। तो स्ट्रेटजी जो थी लास्ट वाले अटैक की, सेम स्ट्रेटजी है यहाँ पे भी, आपको दिख रहा होगा गाइज कि कितने सारे हॉग्स यूज़ हो रहे हैं और कितनी अच्छी वैल्यू मिल रही है। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अच्छे अटैक्स करना चाहते हो टाउन हॉल 11-12 में, तो जल्द से जल्द अपने हॉग्स को अपग्रेड करो, क्योंकि हॉग्स के साथ जो कमाल कर रहे हैं सब, वो आपको भी देखना चाहिए और आपको भी ऐसे स्ट्रेटजी ज़रूर यूज़ करने चाहिए, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलर्स अब मूव करेंगे आई गेस कोर में, उसी के साथ हीरोज़ भी मूव कर रहे हैं, सीसी से वही पुराना घिसा पिटा ड्रैगन, बेबी ड्रैगन और बलून निकल रहा है और उसी के साथ यहाँ पे किल स्क्वाड की जो वैल्यू है आपको देखने को मिलेगी अभी थोड़ी देर में। किल स्क्वाड की कमाल की वैल्यू थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से इस अटैक में सुबोजिद्दा ने अपना किंग की एबिलिटी मिस कर दिया था, जितना मेरे को पता है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये अटैक मैं लाइव देख रहा था, तो मेरे ख्याल से किंग की एबिलिटी उन्होंने मिस कर दी थी। होता है गाइज कभी कभी आपको इतने सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया किंग की एबिलिटी उन्होंने मिस कर दी, अगर वहाँ पर किंग की एबिलिटी यूज़ करते तो थोड़ा और वैल्यू मिल जाता, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं गाइज गोलम्स इन टैंक है, यहाँ पे क्वीन अभी भी बची हुई है, ग्रैंड वार्डन अभी भी बचा हुआ है, ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी अभी भी बची हुई है, तो कितना ओपी अटैक था आपको देखने को मिलेगा। किल स्क्वाड ने क्या वैल्यू दिलाई है यहाँ पे, अभी भी हॉक्स गाइज 22 फ्रीकिंग हॉक्स यहाँ पे अभी भी बाप रे बाप। यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन का वैल्यू देखिए गाइज, क्योंकि एक बम टावर को उसने निकाल दिया और एक बम टावर बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है हॉग्स को, क्योंकि आपको पता है स्प्लैश में डैमेज करता है और उसका जो बम होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूज एक बेबी ड्रैगन का, क्योंकि देखिए गाइज यही होता है कि एक एक चीजों को आपको ध्यान से डिप्लॉय करना पड़ता है, एक एक चीज की वैल्यू होती है। यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन का जो वैल्यू था वो काफी इनसेन वैल्यू था, तो ऐसे ही आपको अटैक्स करने चाहिए जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी ट्रूप, जो भी आप ट्रूप्स यूज कर रहे हैं सबकी अच्छी वैल्यू मिले आपको। अभी भी हील्स पे लेक बाकी था जो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है लास्ट फाइनल कंपार्टमेंट में, इन्फर्नो टावर को टेक डाउन कर लिया गया, उसी के साथ मेरे ख्याल से लास्ट एक स्वीपर बचा हुआ है और उसके बाद किंग को भी टेक डाउन कर लिया जाएगा। तो काफी इंप्रेसिव अटैक था आपको देखने को मिला, एक और इंप्रेसिव अटैक। मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना गाइस कि आपको अटैक्स कैसे लग रहे हैं, और अगर कोई भी सुझाव है आपके पास तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं उन चीज़ों को जरूर कंसिडर करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फाइनल अटैक था गाइस और क्लीनअप बस बचा है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि क्लीनअप जो है वो फास्ट हो जाए, और इसी के साथ एक और इंप्रेसिव 3 स्टार अटैक। तो काफ़ी अच्छे अटैक्स हुए लास्ट वॉर में और ऐसे ही हमारा जो अच्छा चल रहा है वॉर का जो हाल चाल, यही हम कोशिश करेंगे कि और आगे ले जाएं और अच्छे वॉर खेले, वॉर लीग्स भी आ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं आई गेस। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, होप श्योर आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलना, कमेंट्स करना आपको जो मन करे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें एंड एज यूजुअल गाइज जय हिंद।